कोयले की खदान और कन्हान नदी को आने वाली बाढ़ से ग्रसित बिना संगम गांव अपने पुनर्वसन के लिए तड़प रहा है। बीजेपी की सरकार के बाद अब महाविकास आघाड़ी की सरकार से बिना संगमवासी न्याय की गुहार लगा रहे हैं। राज्य सरकार ने पुनर्वसन के लिए जल्द से जल्द दिशा में ठोस कदम उठाकर खापरखेड़ा बिजली घर और कोयला खदान दोनों के माध्यम से गाँव के पुनर्वसन को ठंडे बस्ते में पड़ा प्रस्ताव जल्द से जल्द पूरा करने की मांग अब गाँववासी कर रहे हैं। बिना संगम के रहवासी रोजाना भय के माहौल में सोते हैं। कोयले की खदानों में होने वाली विस्फोट से गांव में स्थित लोगों के घर कमजोर हो गए। कुछ घर की दीवारें गिर भी गई है तो कुछ घर कन्हान नदी में आई बाढ़ में बह गए। मानव निर्मित खदान की और प्राकृतिक विपदा कन्हान नदी के बाढ़ की मार झेल रहे लोग अब रास्ते पर उतरने के लिए मजबूर होते दिखाई दे रहे हैं। अब अपने पुनर्वसन के लिए उन्होंने पालक मंत्री नितिन राउत से गुहार लगाई है। अपने तेज तर्रार रवैये के लिए जाने जाने वाले पशु संवर्धन व दुग्ध विकास मंत्री सुनील केदार से भी बिना वासी आस लगाए बैठे हैं। बिना संगम भोसलेकालीन शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इस जगह पेंच कनान और कोलार नदी का संगम होता है। इस जगह को शासन ने पर्यटन स्थल घोषित कर क श्रेणी दी है। लोग श्राद्ध राख विसर्जन जैसे लोग श्राद्ध रक्षा विसर्जन जैसे कार्यक्रम तो श्रद्धालु भगवान शंकर के दर्शन के लिए भी त्रिवेणी संगम में स्नान करने बड़े दूर दराज से आते हैं। बिना संगम गांव का पुनर्वसन कर इस जगह का विकास कर यहां पर श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध की जा सकती है। WCL बिना भने गांव या कोल माइंस करता बिना गाँव के पुनर्वसन प्रस्तावित करने आ रहे। बिना गावाला प्रचंड मोठा धोका पुराचा आहे। WCL चा खनिजा आहे। 120 कोटी रुपये महाजनकोनी आणि 85 कोटी इतकी रक्कम WCL ने मंजूर केली। पुनर्वसन योजना तातडीने करण्याची सूचना आदेश महाराष्ट्र शासनाने NMRDA दिले। मी महाराष्ट्र शासनाला NMRDA विनंती करतो की तात्काळ बिना गावाच्या पुनर्वसनाकरता लागणारी जमीन संपादन करावी। बिना गावाच्या संपूर्ण घरांना प्लॉट वाटप करावे। बिना गावातील संपूर्ण घरांना पैसा द्यावा आणि तातडीने पुनर्वसन करावे। जर महिनाभरात पुनर्वसनाची कारवाई सुरू केली नाही तर तीव्र आंदोलन बिना गाववासियांसोबत करण्यात येईल अशी सूचना मी शासनाला करतोय। बिना गावातील सर्व ग्रामपंचायत पदाधिकारी सरपंच उपसरपंच सदस्यगण व बिना गावातील नेते मंडळी पुढारी मंडळी तसेच बिना गावातील प्रकल्पग्रस्त पूरग्रस्त बिना गावातील प्रत्येक पीडित नागरिकांना माझी विनंती आहे की आज हीच वेळ आहे बिना गावाचे हक्क अधिकारासाठी लढण्याची आपल्या स्वतःच्या हक्क अधिकारासाठी लढण्याची हीच वेळ आहे बिना गावाच्या पुनर्वसनासाठी लढण्याची। कारण गेल्या 6 वर्षापासून आपण बिना गावाच्या पुनर्वसनाकरता लढत आहो आंदोलन करीत आहो पत्रव्यवहार करीत आहो। मागील सरकारने खास माननीय बावनकुळे साहेबांनी बिना गावाच्या व्यथा वेदना समजून बिना गावातील लोकांच्या समस्या समजून बिना गावाच्या पुनर्वसनाच्या धावपळ करून मंजुरी मिळून दिली। परंतु त्या मंजुरीप्रमाणे आजची हे शासन कुठंतरी नाकाम ठरलेलं आहे। आपला बिना गावाचं पुनर्वसन कुठंतरी थांबलेलं आहे। माझ हेनको व WCL यांनी संयुक्तरित्या पैसे जमा न केल्यामुळे NMRDAने कुठंतरी पुनर्वसन आपलं थांबवलेलं आहे। माझी नम्र विनंती आहे सर्वांना की जर शासन आपलं कार्य व्यवस्थित करत नसेल तर आपण आंदोलनाच्या माध्यमातून आपला हक अधिकार मागण्याची आपण आपली तयारी केली पाहिजे। आपल्या बिना गावाच्या व्यथा वेदना समजून प्रत्येक नागरिकांच्या वेदना समजून माननीय बावनकुळे साहेबांनी आपल्याला आपल्या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आश्वासन दिले आहेत। तसेच शासनाला त्यांनी निवेदनसुद्धा दिलेले आहेत की बिना गावाचे पुनर्वसन मागील सरकारच्या मंजुरीप्रमाणे लवकरात लवकर करण्यात यावे अन्यथा आम्ही पुढच्या महिन्यात तीव्र आंदोलन करू। माझी पण हेच विनंती आहे
शासनाला की बिना गावाचे लवकरात लवकर पुनर्वसन करून आमच्या गावकऱ्यांना न्याय देण्याचे काम करावे, अन्यथा आम्ही माननीय बावनकुळे साहेब यांच्या नेतृत्वात, कामठी विधानसभाचे आमदार माननीय टेकचंदजी सावरकर यांच्या नेतृत्वात बिना गावातील प्रत्येक नागरिक मिळून बिना गावाच्या पुनर्वसनासाठी आम्ही आंदोलन करणार। म्हणून माझी विनंती आहे की ताबडतोब एका महिन्याच्या आत बिना गावाच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुरू करून आम्हाला न्याय देण्याचे कार्य करावे, अन्यथा आम्ही खूप मोठं आंदोलन करू, याची दक्षता घ्यावी। इन बीसीएन न्यूज के लिए बिना संगम गांव से अरुण महाजन की रिपोर्ट।